वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस का दूसरा मॉडल पेपर लेके हैं। इसका पहला मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे सबसे पहले जाके वो देख लीजिए। साइंस का भी दो अपलोड हो चुका है और ये सोशल साइंस का दूसरा मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, एक मॉडल पेपर जरूर डेली लगाया कीजिए, ठीक है। काफ़ी मदद मिलेगा इससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचा, लगभग 3 महीना मात्र आपका समय बचा है, इसी में सारा कुछ करना है, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टेस्ट का फिर कल जाके शाम 8:30 बजे टेलीग्राम पर इसका भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप नोट करके याद कर लीजिए, और टेलीग्राम में 100% कम से कम लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको 12 से 13 घंटा पहले आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन टेलीग्राम टेस्ट में रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। याद रखिएगा, हिंद चीन में तो चीन लिखा आता है लेकिन हिंद चीन क्षेत्र में चीन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में चीन नहीं आता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आता है लेकिन चीन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ, 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना कांग्रेस पूछे या वियना सम्मेलन पूछे, तो ये कब हुआ था, 1815 में। उस समय जो चांसलर थे कौन थे, मेटर्निक, इसके अध्यक्ष थे मेटर्निक, कौन थे, मेटर्निक। और ये जो थे ये क्या थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उस समय, ठीक है, क्या थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर। ये भी पूछ सकता है कि वियना कांग्रेस के समय ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, तो मेटर्निक थे, ठीक है, वही वियना कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, दोनों चीज़ याद रखना। और वियना कांग्रेस का हुआ 1815 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह, भांखना। तो गदर पार्टी की जो स्थापना कौन किए थे, लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय, आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपियन संघ। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोप में एक संस्था का उदय हुआ वो कौन सा उदय हुआ, जिसको क्या था, आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए उसका गठन किया गया था, तो वो यूरोपीय संघ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपियन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सोहानू के किस देश के शासक थे, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानू जो थे ये कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, अब्राहम डॉर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार कौन किया था, जेम्स वाट। आप ये मत समझिएगा कि ये इजी क्वेश्चन है, आपको आता है इसलिए आपके लिए ये इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमको मॉडल पेपर में डालना पड़ता है। अगर नहीं डालेंगे तो बाद में आप ही बोलिएगा सर आपके मॉडल पेपर से तो एक भी नहीं लड़ा, तो इसलिए इजी क्वेश्चन भी हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। आप रिविजन करते जाइए, नहीं तो बाद में पता चला इजी भी क्वेश्चन भूल गए। सात नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, 1854, 1907, 1915, 1923 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आठ नंबर की, गोलघर कहाँ स्थित है, कलकत्ता, पटना, दिल्ली, गया। तो गोलघर कहाँ स्थित है, पटना, ऑप्शन नंबर बी, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, वुडरो विल्सन, FD रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो न्यू डील लागू किए थे, तो FD रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूजवेल्ट ही न्यू डील लागू किए थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दस नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई, 1789, 1791, 1801, 1804। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, 1804, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1864, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 1871 में हुई थी, ठीक है। तो
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी, यहाँ फ्रैंकफर्ट हो गया या फ्रैंकफर्ट होगा, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो किस युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है, और वो युद्ध कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब हम समझेंगे आपका तैयारी बहुत बेहतर है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस युद्ध के बाद हुआ और वो युद्ध कब हुआ था, दोनों बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कॉल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो कॉल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया, WTO, गेट, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो 1971 में जो अस्तित्व में आया था इनमें से कोई नहीं था। देखिए WTO अस्तित्व में कब आया, 1995 में आया। गेट कब आया, गेट आया आपको 1948 में अस्तित्व में आया। और नई आर्थिक नीति जिसको लेनिन ने लागू किया था NEP, वो कब आया, 1921 में आया। और 1924 में लेनिन की मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ पे देखिए 1991 में पूछ रहा था इनमें से किसी की स्थापना जो 1991 में नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मत्स्य पालन बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, खनन भी संबंधित है, वन भी, लेकिन बैंकिंग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, तृतीय क्षेत्र में, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जितना ये क्षेत्र भी आता है, बैंकिंग हो गया, अस्पताल हो गया, इसको तृतीय क्षेत्र को ही दूसरे ना किस नाम से जानता है, जानते हैं तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग जो हो जाएगा ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है, सीमेंट, चीनी, आयरन एंड स्टील, वस्त्र। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम, ये सब किस कौन सा उद्योग है, आयरन एंड स्टील उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरन एंड स्टील उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय, संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, औसत आय से आशय है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो क्या होता है, औसत आय ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1950, 1951, 1952, 1955। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ ये कब हुआ, 6 अगस्त 1952 में हुआ। कब हुआ, 6 अगस्त 1952। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा है रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, पारिवारिक आय, बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो गलत है, सार्वजनिक उपक्रमों का आय, ये भी गलत है, उत्पादन के साधनों का आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया, उत्पादन के साधनों की आय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, 1968, 1986, 1984, 1976। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ ये कब हुआ, ये 1986 में हुआ, 1986, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो कौन सा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी। तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित, यानी इसमें पूंजीवादी, समाजवादी सब इसमें मिक्स है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज नदी से, कावेरी नदी से, नर्मदा नदी से, कृष्णा नदी से। तो नागार्जुन सागर जो ये संबंधित है किस नदी से, कृष्णा नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध, ये काफी बार पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे, याद रखना है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ हो गया, कृष्णा नदी पे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे, नर्मदा नदी पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 में जो विश्व में जो सुनामी आया था उससे कौन प्रभावित हुआ था? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित तो होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। संचार व्यवस्था जो बाधित होने का सामान्य कारण है वो क्या? केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी। तो बाढ़ जो है फसलों को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी, भवनों को, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कट गया। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, और ऑप्शन नंबर सी है जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है ये किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। ये क्या था? सड़कों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, चार शहरों को जोड़ने के लिए ये चलाया गया था सड़क मार्ग के द्वारा, चारों शहरों को जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सड़क मार्ग के लिए से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, ऊंची भूमि पर, कहीं नहीं। तो बाढ़ के समय हमको कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंची भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी राष्ट्रीय, लेकिन भारतीय जनता दल जो यूनाइटेड जो है ये क्या है? क्षेत्रीय दल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे ये याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। बहुत बार पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, कब? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो पंचायत का जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 30 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो पंचायती राज की जो स्टार्ट हुआ ये कहाँ से हुआ? राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ हुआ? नागौर जिले से। 2 अक्टूबर 1959 से ये स्टार्ट हुआ राजस्थान के नागौर जिले से। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ये जो पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले से, ये किसके सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वर्ष 1975 जो भारतीय राजनीति के लिए जाना जाता है वो क्यों जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या होता? आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी जो स्टार्ट हुआ ये कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश से हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवाद, धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद। तो धर्म को जो समुदाय का मुख्य आधार मानता है वो कौन मानता है? सांप्रदायिक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी जो सही है क्योंकि ये क्या करता है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र की स्थापना बिल्कुल सही है, भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर करना, सर्वदलीय सरकार का की स्थापना करना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो क्या है, सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सबको पता होगा कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है वो कौन है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहली जो परियोजना नदी घाटी परियोजना वो कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1874 में, और कोसी नदी घाटी परियोजना की जो हुई थी ये 1896 में हुई थी। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपको कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये कहाँ है, महानदी पर अवस्थित है, कहाँ है, महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला है, बिल्कुल है प्राथमिक ऊर्जा का, विद्युत भी है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन विद्युत जो हो जाएगा ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ है, हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो चावल क्या है, खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर निजी है, बजाज लिमिटेड ये भी निजी है, टिस्को ये भी क्या है, निजी है, लेकिन सेल जो है ये क्या है, निजी कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइट, अब्रक, लो उत्पादक, लो अयस्क, तांबा। तो कोडरमा यानी झारखंड में जो ये खाद्यान्न है किसके संबंधित है, अब्रक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के दो जिले प्रसिद्ध है, पूर्णिया, कटिहार, गया, नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो लीची के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जो जिला है वो क्या है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? विनिमय, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 49 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? स्थायी जमा बिल्कुल है, चालू जमा बिल्कुल है, अधिक वर्ष ये नहीं है, आवर्ती जमा है। तो व्यावसायिक बैंक चार प्रकार का ऋण स्वीकार करता है, स्थायी जमा, चालू जमा, आवर्ती और एक याद रखिए संचयी जमा। ठीक है, तो ये चार प्रकार का हो जाएगा, स्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। लेकिन अधिक अधिविकर्ष जो है ये व्यावसायिक बैंक के द्वारा जमा का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण को का लेन देन होता, अल्पकाल दीर्घकाल ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है, तो ये हो जाएगा आपको दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये कथन किसका है, ये कथन गांधी जी का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, गैर आर्थिक पूछ रहा है, तो यहाँ गैर आर्थिक क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम नहीं होगा, क्या कहते हैं, गैर पारंपरिक, कोयला भी नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, यहाँ तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व होगा, गोंडवाना समूह का जो कोयले का निर्माण हुआ था वो 20 करोड़, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 करोड़ नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है, चावल, मक्का, कपास, इनमें से भी चावल भी खरीफ है, मक्का भी है, कपास भी है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, कपास बिल्कुल है, जूट भी रेशेदार है, सन भी, सोन जिसको हम कहते हैं पटवा, वो भी क्या है, रेशेदार फसल है, लेकिन गन्ना जो है ये रेशेदार फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये कहाँ है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांता क्रूज, क्या है, सांता क्रूज आपको याद रखना है, ये कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में, केरल में आपका कोच्ची याद रखना है, और पश्चिम बंगाल में शायद फाल्टा है, ठीक है, फाल्टा याद रखना है। तो महाराष्ट्र सांताक्रूज हो गया, केरल कोची हो गया, कांडला कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ जन्म हुआ था, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, हैमिल्टन, केक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो इंग्लैंड में जो मुद्रण कला की शुरुआत किया था वो कौन था, केक्सटन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन का डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, ठीक है। इसमें कुछ आपको ईजी लगेगा, ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आपको याद हो चुका है, ठीक है, इसलिए बार बार रिविजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अचानक आप भूल जाइएगा, फिर एग्जाम को कहिएगा ओह ये तो हम याद किए थे लेकिन भूल गए, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल इसका टेलीग्राम पे टेस्ट हो जाएगा, लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो भारी भारी है, उसको हम टेलीग्राम पे टेस्ट करवा देंगे, उसके बाद अगर आप टेस्ट लगा लेते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जय हिंद।